हमारी सारी वीडियोस में किसी बीमारी की सारी इंफॉर्मेशन के अलावा हम बात करते हैं कि क्या होम्योपैथिक मेडिसिन आप ले सकते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि होम्योपैथी होता क्या है, कि आप सभी को पता भी है कि नहीं, कि होम्योपैथी एक्चुअली कौन सा सिस्टम होता है, ये किस प्रिंसिपल पे दी जाती है और इसका क्या बेसिस है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर खुशबू पांडे, BHMS MD एंड रिसर्च स्कॉलर। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज वर्ल्ड होम्योपैथी डे के उपलक्ष्य में जो कि जो फादर हैं होम्योपैथी के, जो जनक हैं, जो डिस्कवरर हैं डॉक्टर हेनीमैन, इनका आज जन्मदिन होता है। तो इस उपलक्ष्य में वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेट किया जाता है 10 अप्रैल को हर साल। तो वीडियो को एंड तक देखें और जानें कि होम्योपैथी होता क्या है, क्या इसके बारे में कुछ मिथ्स हैं, क्या फैक्ट्स हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जो डॉक्टर हेनीमैन थे, इन्होंने कैसे डिस्कवरी करी इस सिस्टम की, होम्योपैथी की? तो डॉक्टर हेनीमैन जो हैं एलोपैथिक फिजिशियन थे अपने टाइम पे, और ये काफी जो बुक्स हमको ट्रांसलेट भी करते थे। तो जब वो एक बुक ट्रांसलेट कर रहे थे कोलिंस की, तो उस बुक में ट्रांसलेट करते हुए उनको एक चीज नजर आई। उसमें ये लिखा था, जो सिंकोना बार्क है इट क्योर्स मलेरिया, या इट क्योर्ड मलेरिया बिकॉज इट वॉज बेटर, क्योंकि वो कड़वा है या बिटर है इसलिए सिंकोना मलेरिया को ठीक कर सकता है। तो उनके दिमाग में ये आइडिया आया, तो उन्होंने सोचा कि मैं खुद लेके देखता हूँ कि इससे होता क्या है। तो फिर जब उन्होंने वो लिया अपनी बॉडी में, उनके बॉडी में एंटर हुआ, तो उनको जो सिम्टम्स आए, फीवर, बॉडी एक जो मलेरिया जैसे सिम्टम्स है, सारे सिम्टम्स वही आए। तो फिर तब उनके दिमाग में थॉट आया कि अगर कोई सब्सटेंस किसी हेल्दी बॉडी में कुछ सिम्टम प्रोड्यूस कर सकता है, कुछ बीमारी प्रोड्यूस कर सकता है, तो वही सब्सटेंस उस बीमारी को या उस सारे सिम्टम्स को वो ठीक भी कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं लाइक क्योर्स लाइक। और इस प्रिंसिपल का जो नाम है वो है सिमिलिया सिमिलिबिस क्यूरेंटर। तो ये मेन प्रिंसिपल है होम्योपैथी का। इसके अलावा एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज और है जो होम्योपैथी ट्रीटमेंट के दौरान ध्यान रखी जाती है, कि कोई भी बीमारी हो, मान लीजिए अगर 10 लोगों को मलेरिया है, तो 10 लोगों में मलेरिया के एकदम सेम सिम्टम्स नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा। अगर डिफरेंस सब में अलग अलग रहेगा तो उनकी मेडिसिन भी डिफरेंट रहेंगी, सभी के लिए मेडिसिन सेम नहीं रहेंगी। तो इसलिए जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में डॉक्टर का पेशेंट से बात करना बहुत जरूरी होता है। और जैसे कि मैंने सारी वीडियो में बताया कि यूट्यूब में कुछ कॉमन मेडिसिन हम बता सकते हैं, उनसे रिलीफ मिल सकता है, कंप्लीटली क्योर के लिए डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, कि उसका रीजन यही है। क्योंकि चाहे कोई भी बीमारी हो, हर केस में जो सिम्टोमेटोलॉजी, जो सिम्टम्स हैं, वो डिफर करते हैं कहीं ना कहीं, किसी भी लेवल पर, चाहे फिजिकल लेवल पे, मेंटल प्लेन पे, किसी भी प्लेन पे हो, कहीं ना कहीं सिम्टम्स डिफर करते हैं। इसलिए ट्रीटमेंट अप्रोच भी डिफरेंट रहता है और जो मेडिसिन्स हैं वो भी डिफरेंट हो जाती हैं। तो इसके लिए आप कोई भी नियरेस्ट होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करें, या हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल्स शेयर करें, जिसमें आपसे सारी चीजें पूछकर आपके केस के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो अब हम बात करेंगे कुछ मिथ और कुछ फैक्ट्स की जो होम्योपैथी के बारे में फैली हुई है, कि क्या र्यूमर्स, क्या मिथ फैलाए गए होम्योपैथी के बारे में और क्या एक्चुअल में फैक्ट है। तो सबसे जो पहली इंपॉर्टेंट चीज है वो है, आप सभी को पता होगा या फिर होम्योपैथी को आप ऐसे जानते होंगे कि इसमें मीठी मीठी छोटी छोटी गोलियां मिलती हैं। तो ये मिथ काफी है, या ये र्यूमर काफी फैला गया है कि जो होम्योपैथी डॉक्टर है वो सभी को सेम मेडिसिन देते हैं, क्योंकि सभी को मीठी मीठी गोली दी जाती है। बट ऐसा नहीं होता है। जो गोलियां होती है वो सिर्फ एक देने का मीडियम होता है, उस गोली में क्या दवाई डलती है वो सब में डिफर करती है। तो आप ऐसा ना सोचें कि सभी को सेम मेडिसिन दी जाती है, वो बस एक मीडियम है, दवाई सब में डिफरेंट रहती है, क्योंकि दवाई डलती है सब में। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो होती है कि जो होम्योपैथी है वो स्लो काम करती है, या बहुत धीरे धीरे काम करती है। इसका ट्रीटमेंट लेंगे तो काफी लंबे टाइम लेना पड़ेगा, उसके बाद जाके बीमारी ठीक होगी। बट जो ये टाइम टेकिंग चीज होती है, डिपेंड करता है कि क्या केस है और क्या बीमारी है। अगर आप कुछ भी एक्यूट प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं, जैसे कोई फीवर है, कफ है, खांसी है, जो भी प्रॉब्लम है, तो अगर एकदम अप्रोप्रिएट, एकदम सिमिलर मेडिसिन दी जाती है तो उसका बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है और जो पेशेंट है वो क्योर भी हो जाता है। बट बीमारी ऐसी है जैसे टीनिया है, स्किन की जो प्रॉब्लम है, इसको जड़ से निकलने में काफी टाइम लगता है, जैसे वॉट्स हैं,
तो ऐसी चीजों में ऑब्वियसली टाइम लगेगा, क्योंकि वो केस ही ऐसा है, वो बीमारी ऐसी है, या फिर कोई भी ऐसी बीमारी जिसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, इस सिस्टम की, उस सिस्टम की, बहुत सारे ऑर्गन्स की, या बहुत सारे ड्रग्स ले लिए हैं, या ऐसे बहुत सारे मल्टीपल ट्रीटमेंट ले लिए हैं, बहुत सारी दवाइयां ले ली हैं, जिससे जो केस कॉम्प्लिकेट हो गया है, तो ऐसे में अपने आप ही जो टाइम लगेगा ट्रीटमेंट करने में, पूरा उसको क्योर करने में, तो जो टाइम टेकिंग चीज है ये डिपेंड करती है केस के ऊपर। तो जो सीवियरिटी ऑफ केस है उस पर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा वो चीज ठीक होने में या ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है कि कई पेशेंट्स आके ये बोलते हैं कि होम्योपैथी में काफी परहेज करना पड़ता है, हमसे ये परहेज नहीं होता। तो मैं आपको ये बताऊं कि होम्योपैथी में ऐसा कुछ परहेज नहीं करना पड़ता है, बस आप खाने से आधे घंटे का डिफरेंस रखिए दवाइयों में, आधे घंटे पहले आधे घंटे बाद में खाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और कुछ परहेज रखना है वो इसलिए बताया जाता है कि कुछ चीजों का बताते हैं जो डॉक्टर, क्योंकि कुछ दवाइयां होती हैं उनमें अगर कोई सब्सटेंस कुछ चीज लेते हैं हम डेली रूटीन में, तो वो उसमें उसके एक्शन में हैम्पर कर सकता है, इसलिए कुछ चीजों का बताया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा परहेज करना पड़ता है, जो परहेज आपको बताया जाएगा, जो भी आपकी बीमारी, जो आपका केस है उसके अकॉर्डिंग बताया जाएगा, क्योंकि वो डाइट वो परहेज उस बीमारी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि क्या होम्योपैथी आप दूसरे और जो पैथीज के मेडिसिन चलती हैं या ट्रीटमेंट चलता है उनके साथ में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल आप ले सकते हैं उनके साथ में, बाकी वो केस पे डिपेंड करता है, बट अगर आपको लेना है दोनों पैथी का या किसी का भी, वैसे तो ये जरूर इम्पोर्टेंट होता है कि आप कहीं से भी ट्रीटमेंट लें, एक जगह से लें, बट कुछ कुछ बीमारी ऐसी होती है जहां आपको और जैसे एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी लेना पड़ता है, तो ऐसे केस में आप एक घंटे का डिफरेंस रखिए मेडिसिन लेने में एलोपैथिक और होम्योपैथी या किसी भी पैथी से, तो तब कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आप ले सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो डायबिटिक पेशेंट्स रहते हैं, जो शुगर के पेशेंट्स रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो जो मीठी मीठी गोलियां हैं वो मीठी होती हैं, तो वो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, वो नहीं ले सकते करके उनको काफी मन में डर और प्रॉब्लम रहती है इस चीज से। पर ऐसा कुछ नहीं है, जो वो गोलियां होती हैं, जो गोलियां ग्लोबुल्स होते हैं, उनमें ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं रहता है, जो कि हार्मफुल रहता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। बट फिर भी अगर जो पेशेंट है वो डिसएग्री करे, वो नहीं अगर चाहता उसको लेना, तो आप कोई भी मेडिसिन लिक्विड फॉर्म में भी ले सकते हैं, क्योंकि जो मेडिसिन है वो लिक्विड फॉर्म में ही बनती हैं, वो तो ग्लोबुल्स में डाली जाती हैं उसको लेने के लिए, ताकि जो बिटर और जो एल्कोहल टेस्ट आता है वो ना आए। होम्योपैथी में किसी भी ट्रीटमेंट के लिए कभी कोई पेशेंट आते हैं तो ये बोलते हैं कि हम ये ट्रीटमेंट लें कि नहीं लें, क्योंकि इसमें तो पहले बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ती है, उसके बाद ठीक होती है, हम तो बहुत परेशान हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता है, वो भी डिपेंड करता है केस टू केस, हर केस में ऐसा नहीं होता है कि आपकी बीमारी बढ़ती है बहुत ज्यादा और फिर कम होती है। और याद रखिएगा, अगर किसी केस में थोड़ा सा बढ़ती है तो वो इतनी नहीं बढ़ती है कि बॉडी को प्रॉब्लम दे, वो बॉडी को रिलीफ देने के लिए ही वो एक एग्रेवेशन होता है, वो भी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन का रहता है, वो परेशान नहीं करता है। सेल्फ मेडिकेशन क्या कर सकते हैं होम्योपैथी में या नहीं कर सकते हैं? जो यूट्यूब में आपको मेडिसिन बताई जाती हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, आपको मेडिसिन बताई जाती हैं, तो क्या आप उन मेडिसिन को ले सकते हैं? आपको अगर जो डॉक्टर कोई भी सिम्टम बता रहा है अगर एग्जैक्टली आपसे मैच कर रहा है, तो अगर आप चाहते हैं, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है पास में, आप चाहते हैं कि वो दवाई लें, तो आप एकदम लिमिटेड अमाउंट में लीजिए, एक या दो डोज लीजिए या तीन चार डोज लीजिए, एक दो दिन के लिए लीजिए, वो सफिशियंट होगा अगर उसको ठीक करना है या रिलीफ देना है तो। बट कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए, कंप्लीट क्योर के लिए जरूरी है कि आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। कोई भी बीमारी, कोई भी अगर मेडिसिन यूट्यूब में किसी भी चैनल में बताई जाती हैं, तो उसको बिना कंसल्टेशन के लिए लंबे टाइम तक बिल्कुल ना लें, उसकी पोटेंसी चेंज ना करें, 30 में बताइए तो 200 में ना दें, 200 में बताइए तो 1 में ना लें, क्योंकि हर केस के लिए मेडिसिन डिफर करती हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप वो मेडिसिन लेंगे तो आप उससे ठीक होंगे ही होंगे, आप हो सकता है कि आपकी बॉडी को, आपके केस को दूसरी मेडिसिन की नीड है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तभी आपको पता चल पाएगा। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, हमारे पास काफी पेशेंट्स की कॉल आते हैं जब ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए, या पेशेंट्स जब आते हैं विजिट करते हैं क्लिनिक पे, तो ये बोलते हैं कि आप आयुर्वेदिक क्लिनिक से बोल रहे हैं ना, आपके वहां आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बोल रहे हैं ना, तो अवेयरनेस इस चीज की नहीं है, काफी लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये सब सिस्टम अलग अलग है। होम्योपैथी जो है आयुष के अंडर आता है, आयुष में क्या क्या चीजें आती हैं, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, ये सब अलग अलग सिस्टम है, आयुर्वेद अलग है, होम्योपैथी अलग है। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि जो होम्योपैथी डॉक्टर हैं दे आर नॉट क्वालिफाइड, दे आर क्वैक्स,
ऐसे लगता है, बट मैं आपको बताऊं कि इंडिया में इट इज अ लीगल कोर्स और 5.5 साल का मेडिकल का कोर्स है होम्योपैथी डॉक्टर बनने का, जैसे कि आयुर्वेदिक में और एलोपैथिक में एमबीबीएस के लिए जो होता है 5.5 साल का कोर्स, वैसा ही होम्योपैथी का भी 5.5 साल का कोर्स है। ग्रेजुएशन में जिसकी डिग्री वो होती है बीएचएमएस की, और इसमें एमडी भी प्रेजेंट है होम्योपैथिक में, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में, कुछ होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स हैं, कुछ एलाइड सब्जेक्ट्स भी हैं। इसके अलावा जो भी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स होते हैं होम्योपैथिक में, इसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी, तो जो ये सब्जेक्ट्स कॉमन रहते हैं, आप एमबीबीएस वाले भी ये सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, आयुर्वेदिक वाले भी पढ़ते हैं, होम्योपैथिक वाले भी पढ़ते हैं, डिफरेंस सब में ये रहता है उनकी जो ट्रीटमेंट होती है, जो पैथीज, जो फार्मेकोलॉजी होती है, जो मेडिसिन होती है, उनमें डिफरेंस हो जाता है। वो लोग एलोपैथिक ड्रग्स को स्टडी करते हैं, हम लोग होम्योपैथिक ड्रग्स, होम्योपैथिक जो प्रिंसिपल्स हैं उनको स्टडी करते हैं, उनकी सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा होते हैं, उनकी बुक्स एक्स्ट्रा होती हैं, और आयुर्वेदिक में वो लोग आयुर्वेदिक जो मेडिसिन हैं उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको स्टडी करते हैं। बट जो बेसिक है कि बॉडी की नॉलेज होनी चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ है, किसका क्या फंक्शन है, जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में होता है, पैथोलॉजी में होता है, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है, गायनी है, ये सारे सब्जेक्ट सभी में सेम रहते हैं। तो आप ये ना सोचे कि होम्योपैथी डॉक्टर्स आर नॉट क्वालिफाइड। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन आज वर्ल्ड होम्योपैथी डे के उपलक्ष में। आप में से अगर किसी को भी ये सारे पॉइंट समझ में आए हो और वो बिलीव करते हो होम्योपैथी में, उन्होंने देखा होम्योपैथी कैसे वर्क करती है, उसका क्या ट्रीटमेंट रहता है, कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, या जो भी होम्योपैथी फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अवेयरनेस फैलाएं होम्योपैथी के बारे में, और जो भी मिथ और फैक्ट है ये सब में स्प्रेड करें, ताकि सबको इन्फॉर्मेशन रहे एक एक चीज की कि होम्योपैथी क्या होती, क्या मिथ और क्या फैक्ट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके बताएं अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स हैं हम टॉपिक्स बता रहे हैं उनसे उनको भी बेनिफिट हो सके, और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट के लिए। आप सबसे फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।